नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। आज मैं सारे मुसलमानों को एक बात बोलने आई हूं, खासकर लड़कियों को। आपको अगर ट्रिपल तलाक से बचना है, अगर एक सुकून की ज़िंदगी बसर करनी है, और अगर ये 5 बार झुक झुक के मरने से या ज़बरदस्ती की तकलीफ़ों से गुज़रने से और अपने परिवार को बीमारी से बचाने का तरीका ढूंढना है, यानी कि एक ही ब्लड में शादी करके जो आपको हेरिडिट्री बीमारी होती हैं इनसे बचना है, और अपने चाचा ताऊ की एक खून में शादी जो आप कर रहे हैं उससे बचना है, और ये जो आप ज़बरदस्ती मौलाना मौलवियों के चक्करों में जो फंसे रहते हो, कभी अपने बदन पे बॉम्ब बांधने का, फिदायन बनने का, या इस्लाम के नाम पे जिहाद करने के लिए ज़बरदस्ती आपको ब्रेन वॉश करके, या ज़बरदस्ती एक तरह का दबाव जो डाला जाता है, जैसे कि हमारे हिंदू लड़कों को ये लोग डालते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं। हालांकि दूसरे मुल्कों में, दूसरे देशों में लोग इससे बाहर निकल रहे हैं, और इसी गटर में, हमारे इसी दलदल पे हमारे जो हिंदू हैं भोले भाले, वो लालच के मारे फंस रहे हैं। उनको ये मालूम नहीं है कि उनका अंत क्या होगा। उनको एक्चुअली कोई नौकरी वोकरी पे नहीं, उनको पैसों का जो लालच दिया जा रहा है, उनको फंसा के आईसिस वगैरह में डाला जाएगा, और वहाँ फिर आईसिस में उनका इस्तेमाल करा जाएगा। जैसे लड़कियों को इस्लाम के नाम पे भड़काया, उसके बाद उनको ले गए, उसके बाद उनकी विचारधारा कट्टर बना दी, जब एम्बेसी ने उनको पकड़ा, उनसे सवाल करा, उनके पति जो मर गए थे, उनके बच्चे हो गए थे लड़कियों के, उनको जब पकड़ा, उनकी विचारधारा लोगों ने जानी, उनको लगा, उन लड़कियों को लगा कि भाई अपनी विचारधारा खुल के बता देते हैं, क्योंकि इस्लामिक मुल्क है अफगानिस्तान, तो यहाँ पर जो हमारी विचारधारा है उसको बुरा नहीं माना जाएगा। जबकि उनको पता नहीं है कि वहाँ पर जो रूम्स होते हैं उससे सब बातें जो इंडियन एजेंसियां हैं रिकॉर्डेड लाइंस पे सुन रही होती हैं, सारी चीज़ें सुन रही होती हैं। जैसे आपने टीवी में देखा होगा, एक बड़ा सा कमरा होता है, उनसे ऑफिसर बात करता है तो बाकी सारी बातें सुनाई दे रही होती हैं, या फिर उनकी सारी बातें जब आपस में 3-4 लोग बात कर रहे होते हैं, सारी बातें सुनाई देती हैं। तो इन्हीं बातों को मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए हमारी भारत सरकार ने उन्हें लाने से मना कर दिया। तो आज मैं मुसलमानों को अपने सनातन में स्वागत करवाना चाह रही हूँ। आप लोग दीन की दावत बहुत देते हैं, तो मुझे लगा मैं आज आपका हाथ जोड़ के सनातन में स्वागत करती हूँ। आपको निशुल्क, मैं ये आश्वासन देती हूँ कि निशुल्क आपको सनातन में शामिल कर दिया जाएगा, और मैं अपने धर्म गुरु आचार्यों से बात करूँगी अगर आप हमें संपर्क करेंगे। और ना केवल आप अपना सर्टिफिकेट में नाम चेंज करेंगे, बल्कि आप उस जगह से अगर रिप्लेस होना चाहेंगे तो आपको वहाँ से भी रिप्लेस होने पर, जिस जगह में आप रह रहे हैं वहाँ से भी रिप्लेस होने पर आपको रिहैबिलिटेशन की मदद करवाने की भी मैं कोशिश करूँगी। और अगर आपकी लड़कियाँ हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपके लड़कों की तुरंत ही हिंदू लड़कियों से शादी करा दी जाएगी, नहीं, लेकिन आपकी लड़कियों की हिंदू लड़कों से अवश्य शादी करा दी जाएगी। और अगर आप चाहेंगे तो ये भारत को आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान बनाने से रोक सकते हैं। आप खुद ही अपने मन में विचार करिएगा, अगर धर्मांतरण से, अगर मुसलमान बने रहने से इतना फ़ायदा होता और सबके जॉब लगे होते, सब लोग जिंदगी में सब कुछ पा रहे होते जितने लालच हिंदुओं को दिए जा रहे हैं, तो आप एक बार बताइए तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में इतनी भुखमरी क्यों होती, सीरिया और यमन का ये हाल क्यों होता, इराक में मौसूल गटर क्यों बना होता, ज़रा खुद सोचिएगा। और इससे अगर इस मज़हब से आपको बाहर निकलना है तो आप नज़दीकी आर्य समाज मंदिर पे भी संपर्क कर हिंदू धर्म में आ सकते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि ईश्वर एक है, तो आपके अनुसार बिना मूर्ति का भी आप आर्य समाज मंदिर पे ये अपना सकते हैं। तो आइए भाइयों, देर किस बात की, आइए बहनों देर किस बात की, आइए भाइयों देर किस बात की। मैं सनातन में प्राची अधिकारी आपका स्वागत करती हूँ, और ये सोचती हूँ कि आप दीन को छोड़कर सनातन की कोख में आएंगे, दीन के आगोश को छोड़कर सनातन की कोख में आएंगे, और एक माँ जैसे बच्चे को पालती है सनातन, आपके वर्ण सुधार करेगा, और आप जिस गंदगी और दलदल
भरे मजहब में फंसे हुए हैं, जो आपको सिवाय नफरत की कुछ और नहीं सिखाता, हमारे सनातन में आपको प्रेम मिलेगा, प्यार मिलेगा और आप अच्छी बातें सीखेंगे। अपने एक खून, अपने चाचा यानी कि आपके दादा जान दादी जान से, जो उनकी कोख से एक बच्चा, आपके वालिद, आपके पिता, आपके चाचू जान यानी कि आपके चचा जान, आपके चाचा जो पैदा हुए हैं एक कोख से, एक जगह से, उनके जो बच्चे हुए हैं वो आपका अपना 100% ब्लड हैं, उस ब्लड में शादी करके बीमारियां लगाने से अच्छा है और इस तरह की दक्यानुसी सोच रखने से अच्छा है कि आप अपने IQ लेवल को बढ़ाएं। आप देखिए कि हिंदूज़ का IQ लेवल कहीं भी जाते हैं कितना ज़्यादा होता है, चाहे वो NASA में हो, चाहे कहीं हो, साइंटिफिक रिसर्च में हो, डॉक्टर्स इंजीनियर्स हों, आप देखिए कितने शांत और कितना बढ़िया जीवन जीते हैं। लेकिन केवल एक ऐसा मज़हब है जिसने पूरी दुनिया को तहस नहस करा हुआ है, इससे अगर आप बच के इस पूरे दुनिया को वाकई में, जिसे आप जन्नत की खोज कहते हैं, वो मरने के बाद 72 हूरों में नहीं, इस पृथ्वी पर, इस ज़मीनी ज़िंदगी में है, यहीं पर जन्नत है, यहीं पर जहन्नुम है, यहीं पर स्वर्ग है, यहीं पर नर्क है। आइए, मैं प्राची अधिकारी एक बार फिर से आपका सनातन में स्वागत करती हूँ। आप चाहे तो मूर्ति पूजा वाला सनातन धर्म अपनाएं, या फिर आप आर्य समाजी होकर आर्य समाज के सनातन को अपनाएं, लेकिन सनातन के भगवान को पहुँचने के कई मार्ग हैं। सनातन में भी ध्यान है, मूर्ति पूजा है, दिया जलाना है, काफ़ी चीज़ें हैं, आपके जैसा चाहें अपना लें। इसलिए मैं सनातन में आपका स्वागत करती हूँ। इस पागलपंती को छोड़िए, सनातन में आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैं आशा करती हूँ कि लड़कियाँ इस बात को कि एक बीवी नहीं एक पत्नी बनकर, बीवी तो आपकी कॉन्ट्रैक्ट वाली होती है, मेहर जिसमें योनियों का कॉन्ट्रैक्ट है, एक पत्नी बनकर रहोगी और एक ही पत्नी से तुम्हारे पति के बच्चे होंगे और तुम्हें बच्चा बनाने की फैक्ट्री की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बहुत खलूस और मोहब्बत और प्यार से रखा जाएगा, 7 जन्मों का साथ निभाया जाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर कभी कभी गलत होता है, लेकिन उसमें भी तुम्हें तुम्हारे हकूक, तुम्हारे हक मिलेंगे। कभी तुम्हारा पति छोड़कर तुम्हें नहीं जाएगा, और अगर कहीं गया भटका तो तुम उसे वापस ला सकोगी, क्योंकि तुम उसकी पत्नी होगी, वो तुम्हारा पति होगा। और अदालत भी इस बात को मान्यता देती है, क्योंकि भारत के हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से ये चलता है, मैरिज, हिंदू मैरिज एक्ट में सारी शादियां रजिस्टर्ड हो सकती हैं। तो इसलिए तुम अगर आती हो इस धर्म में तो दुनिया तुम्हें प्यार करेगी, और वो तलवार के ज़ोर वाला प्यार नहीं होगा कि ये लोग इंटेलिजेंट होते हैं, होशियार होते हैं और जहाँ जाते हैं वहाँ अपने कर्तव्य निभाते हैं, अपने देश से प्यार करते हैं। इंडियंस आर वेरी हार्ड वर्किंग, स्पेशली हिंदूज़ बोला जाता है, वो तुम्हारे लिए भी बोला जाएगा। आइए बहनों, मैं ये क्रिश्चियन लड़कियों को भी बोल रही हूँ, अगर आप चाहती हैं तो आप हमारे इसमें आ सकती हैं। यहाँ ना कोई हवा हवाई ऊपर वाला है जिसको किसी ने नहीं देखा, यहाँ ना कोई ईश्वर का बेटा है, यहाँ पर भगवान है डायरेक्ट, और वो भगवान जो हैं उन्हें हम सब पूछते हैं। और यहाँ औरत का भी वही मकाम है जो आदमी का है, और आदमी से थोड़ा ऊंचा ही है। तो इसलिए एक आदमी को जनने वाली औरत को जनने वाली औरत का सम्मान है। अगर औरतें चाहें, मोमिनाएँ चाहें, तो वो यहाँ आएँ। मैं आपका सनातन में स्वागत करती हूँ। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो, विधर्मियों का विनाश हो। ये भारत हमेशा सनातन की भूमि था और रहेगा, जब तक हमारे कण कण में जान है, प्राण है, जब तक हमारे कण कण में प्राण है, भारत माँ तेरा स्वाभिमान और तेरा अभिमान हमारे साथ हमारे बाद भी हमेशा अमर रहेगा।